हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि आज की सबसे लेटेस्ट न्यूज़ क्या लेके आई हूँ कि अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। हाँ जी, अंतिम तिथि जो है वो बढ़ चुकी है। आज लास्ट डेट थी 14 तारीख, लेकिन अब बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ाई है वो हम देखते हैं पूरी वीडियो में, लेकिन बढ़ चुकी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जहाँ जहाँ 0 सीट्स हैं वो आखिर क्या करें क्या ना करें, महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसमें वो आज लेने वाली हूँ सारे। सबसे पहला तो कि अगर एक बार ट्रांसफ़र का लाभ जो ले चुके हैं, क्या उनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने नंबर पर कौन सा जनपद मिल सकता है, अनुमानित जनपद के मैं आपको नंबर बताऊंगी कि किस पे कितना नंबर मिल सकता है, और अंतिम तिथि हमारी क्या हो गई है। तो सबको मिला के मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो। तो आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही ये लेटर आया है सचिव का, ये देखिए, इसमें 14 तारीख डली हुई है, आज की ही डेट है, और इसमें लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षिका के स्थानांतरण के प्रक्रिया के संबंध में। मैं फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा हुआ है, ये देखिए कि शिक्षक एवं शिक्षिका के संवर्ग ग्रामीण अथवा नगर क्षेत्र पदनाम केडर एवं जेंडर को ठीक करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर केवल ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा ऑनलाइन अथवा स्वयं आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त कराया जाएगा के डेटा संशोधित रीसेट करने की सुविधा प्रदान की जानी है। सेकंड पॉइंट में ये भी बताया हुआ है कि शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा आवेदन के पश्चात प्रिंटआउट लेने के बाद तकनीकी कारणों कोई दिक्कत आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है या कुछ भी मिस्टेक हो गई है, तो उसको बेसिक शिक्षिका अधिकारी के लॉगिन पर डेटा संशोधित की सुविधा प्रदान की जानी है। इसी के संदर्भ में इन्होंने बोला है कि अगर इस तरीके की कोई त्रुटि वगैरह सही होनी है तो उसकी जो आवेदन पत्र भरे जाने की तिथि को 17/6/2023 के मध्य रात्रि तक बढ़ाया जा रही है। मतलब ये पहले थी, अब इसको बढ़ा दी गई है। पहले इस तरीके की कुछ थी कि आवेदन जो है आज अंतिम तिथि है कि आज मध्य रात्रि तक बंद हो जाएंगे, 10 से 18 तक BSS स्तर पर सत्यापन होना है, फिर 18 से 23 क्या था कि संपदा पोर्टल की कार्यवाही होनी है, और 27 जून तक स्थानांतरित अध्यापकों को कार्यमुक्त किया जाएगा। कुछ इस तरीके से पहले ये पूरी समय सारणी थी कि इस तरीके से ये होगा, लेकिन अब इसमें चेंज हुआ है। बिल्कुल अभी कुछ टाइम पहले ही ये लेटर आया है कि 17 तारीख तक कर दिया गया है, तो इसमें भी पक्का फिर बदलाव होगा, तो इसमें देख लीजिए। अब इसमें ये था कि मैं सेकेंड नंबर पॉइंट लेती हूँ कि जहाँ पर 0 संख्या है, जहाँ पर शून्य दिखा रखी है कि बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों ने, बहुत सारे जिलों के, अलग अलग जिलों के लोगों ने पूरे सत्यापन दिया है, अलग अलग लोगों को, खंड शिक्षक को, BSA अधिकारी को, सब जगह को दिया है। तो इसमें यही दिखा रखा है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार दी गई माननीय न्यायालय द्वारा आदेश में उल्लिखित कैसे भी स्थानांतरण में उक्त समय सीमा ही निर्धारित है। मतलब ये इस तरीके के पहले लेटर आए थे जिसका आदेश आज आ चुका है, उनका फलस्वरूप कि जो समय सीमा है वो बढ़ गई है। फिर ये तीसरा पॉइंट इन्होंने ये भी इनको दिया था कि बहुत सारे संघ ने दिया था ये कि मिलके कि 30 जनपदों में से 30 जनपदों में 0 दिखा रहा है, मतलब 0, उसमें कोई भी सीट वहाँ दिखाई नहीं रहा है, बल्कि वहाँ पर सीट हैं, खाली हैं, सीट चाहिए, लेकिन वहाँ फिर भी वहाँ पर 0 शो कर रखा है। तो इसमें लिखा है कि वित्त विभाग ने स्वीकृत पदों सापेक्ष अनुमति नहीं दी है, मतलब वहाँ पर जगह है लेकिन फिर भी वो रिलीज़ नहीं करी है वो वाली सीट्स, तो इसके लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। और इसमें ये भी बोला गया है, बहुत सारे आज के न्यूज़पेपर में भी आया है कि बहुत अलग अलग ज़िले के लोगों ने दिया है, जिस तरीके मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से सब लोगों ने यहाँ पर दिया है। ये जो आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही है ये सहारनपुर के शिक्षक संघ की, पूरा उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो जब वहाँ का है तो ऐसे ही ज्ञापन अलग अलग जिलों के लोगों ने दिया है कि जिससे कि जो 0 दिखा रहा है वहाँ पर कम से कम कुछ सीटें तो रिलीज़ करी जाएँ। इसी प्रकार के न्यूज़पेपर में आपने देखे होंगे बहुत सारी आ रखी थी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर एक बार लाभ ले चुके हैं तो उनको दूसरी बार लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसी के रिगार्डिंग ये है कि विभाग द्वारा ये लेटर मिला है। इसमें क्या मिला बोला गया है कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन के बाध्यता के क्रम में केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी से पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक शिक्षिका जिनके द्वारा पूर्व में स्थानांतरण का लाभ लिया गया है ही दूसरी बार वह स्थानांतरण के लिए अर्ह होंगे।
मतलब ये है कि अगर शादी से पहले आपने अप्लाई करा था तो आप फिर से दूसरी शादी के बाद दूसरी बार अप्लाई करेंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपने शादी के बाद एक बार अप्लाई किया है, हो चुका है आपका, फिर से आपको अप्लाई करना है, तो आपको जो 12 अंक जो मिलना था 10 नंबर का, वो बार बार आपको 12 अंक नहीं मिलेगा। सेम इसी तरीके का बोला गया है कि अगर ये थर्ड पॉइंट में भी यही बताया गया है कि आदेश नंबर 5/7/2021 के अनुपालन की बाध्यता के दृष्टिगत शिक्षक शिक्षिका को अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए एक से अधिक बार आवेदन करने के लिए नहीं रोका जाएगा, परंतु केवल आवेदन स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं है कि उसके लिए आपको अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इसमें ये बोला हुआ है कि अगर अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर दो, लेकिन जो 10 नंबर का 12 अंक मिलना था वो आपको एक ही बार मिलेगा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये मुझे फिर से मिले। तो इसी के रिगार्डिंग ये बोला गया है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे कि ये भी पूछा जा रहा था कि म्यूचुअल वाला फॉर्म और जो अंतर जनपदीय वाला फॉर्म है, अगर हम दोनों भर देते हैं और अगर हमारे दोनों जगह आ जाता है तो हम किस में अप्लाई कर सकते हैं, हमारी मर्जी होगी या क्या चलेगा? तो ये बताया गया है विभाग के द्वारा, अगर आपका दोनों जगह हो जाता है तो आपको किस में वरीयता मिलेगी। अगर आपका मान लीजिए म्यूचुअल में भी आपका हो गया है, नंबर आ गया है, और आपका अंतर जनपदीय में भी आ गया है, तो अगर आपका दोनों में आ चुका है तो इसमें जो सरकार क्या करेगी, जो आपका म्यूचुअल वाला होगा उसको वैलिड मानेगी और जो अंतर जनपदीय वाला होगा उसको वो कैंसिल कर देगी। उसी के अकॉर्डिंग फिल करना, जैसा भी आपको लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये पूछा जा रहा था कि इतने नंबर पे हमें ये मिल जाएगा जनपद या नहीं, तो उसकी मेरे पास पूरी लिस्ट है 2018 की, देखते हैं ये उसके अकॉर्डिंग आपका आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा ज़िला मिल सकता है, कौन सा ज़िला नहीं मिलेगा। जो बता दूँ, इसमें आप 5 नंबर आप जोड़ के अनुमान लगाइए, क्योंकि पहले जो महिलाओं को मिलते थे वो 5 नंबर मिलते थे, अब इसमें इस बार क्या हो गया, 10 नंबर हो गया। हिसाब से आप देख लेना अपना। आगरा की ये पिछली बार 7 गई थी, अलीगढ़ की 7, इलाहाबाद की 5, अम्बेडकर नगर की 6, अमरोहा की 7, औरैया की 7, आजमगढ़ की 6, बागपत की 12, बाराबंकी की 7, बरेली की 5, बस्ती की 6, बहराइच की 6, भदोही की 6, बिजनौर की 7 और बदायूं की 5, बुलंदशहर की 7, देवरिया की 6, इटावा की 5, फैज़ाबाद की 6, फर्रुखाबाद की 7, फतेहपुर की 6, गौतम बुद्ध नगर की 12, गाजीपुर की 5, गोरखपुर 5, हापुड़ की 12, हरदोई की 5, जौनपुर की 6, कन्नौज की 7, कानपुर देहात की 6 और कानपुर नगर की 7, कासगंज की 5, कौशाम्बी की 5, खेरी की 5, कुशीनगर की 5, लखनऊ की 11, महाराजगंज की 6, महोबा की 11, मथुरा की 7, मेरठ की 12, मुरादाबाद की 6, मुजफ्फरनगर की 12, पीलीभीत की 5, प्रतापगढ़ की 5, रायबरेली की 6, संभल की 5, संत कबीर नगर की 5, साजापुर की 5, शामली की 11, सिद्धार्थनगर की 5, सुल्तानपुर की 5, उन्नाव की 7 और वाराणसी की 7। आप इसके अकॉर्डिंग अपना आइडिया लगा सकते हैं। उम्मीद है मैंने आपके सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। अगर कुछ भी और भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कार्यभार तिथि और आपका मौलिक नियुक्ति की तिथि का जो पहले मैटर था वो मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में बता दिया है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। तो और भी कुछ पूछना हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।